अब रोने से क्या फायदा? क्या मैंने तुम्हें आगे सावधान नहीं किया था? किसने कहा था तुम्हें बहादुर बनने के लिए? क्या तुम चुप नहीं बैठ सकते? कभी कभी शांत रहा करो और जो हो रहा है उसे होने दो। जहां जिस परिस्थिति में तुम्हारी जरूरत नहीं होती है, तुम वहां क्यों घुसते हो? तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारे वहां नहीं रहने से परिस्थिति बिगड़ता, तो बिगड़ने दो। तब उन्हें पता चलेगा, समझ आएगा कि कैसे उसका सही तरीके से समाधान हो सकता है। इस वक्त तुम्हारा चुप रहना श्रेय है। आगे भी मैंने कहा था कि अपनी सेहत का ध्यान रखो, पर तुमने अनसुना किया है, खिलवाड़ किया है अपने सेहत के साथ। और अब मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, खुद का ध्यान रखो, वरना तुम्हारा साईं तुमसे रूठ जाएगा। मेरे बच्चे, पहले तुम कितने नाजुक थे और अब देखो कितना मजबूत बन चुके हो। मैं तुम्हें और मजबूत बनाऊंगा ताकि किसी के होने या ना होने से कोई फर्क ना पड़े, कोई तुम्हें हिला ना सके। रास्ता तुमको कई लोग दिखाएंगे, पर करोगे वही जो मैंने कहा है और तुमने सोचा है। तुम्हारी जीत उसी में है।